हाय फ्रेंड्स, स्वयं महाजन फ्रॉम एएमई टेक्नोलॉजीज। सो फ्रेंड, आज का जो हमारा सेशन है वो हम कैटिया के ऊपर ड्राफ्टिंग वर्कबेंच करेंगे। लास्ट सेशन में हमने किया था कि कैसे हम असेंबली करते हैं। सो हम अपना सेशन कैटिया में स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कैटिया में एक पार्ट बनाया हुआ है, ये प्लेट जिसमें चार होल ड्रिल है और एक कैविटी स्लॉट है। सो अब इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। सो आज का जो हमारा रिव्यू सेशन रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा व्यूज कैसे लेके जाने हैं और अलग अलग तरह के व्यूज हमने कैसे इसमें निकालने हैं। सो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। से ये हमारा पार्ट है, यहाँ स्टार्ट पे गए मैकेनिकल डिजाइन, यहाँ पर ड्राफ्टिंग किया, ये उसके अकॉर्डिंगली आपने शीट सेट कर ली है। सो देन ओके, सो ये अब हम शीट में आ गए हैं। तो अब इसमें व्यू कैसे लेके आने हैं आपने, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू। सो अब ये फ्रंट व्यू लाना कैसे है, इसको मिनिमाइज करेंगे, पार्ट के फ्रंट पार्ट पे हमारा कर्सर ले आएंगे, कर्सर तो यहाँ पर क्लिक करके वो पार्ट की पोजीशन यहाँ पर उठ के आ जाएगी। ये इसका रोटेटिंग एरो है कि जैसे जिस तरह की ओरिएंटेशन आपने करनी है। सो मेरे को तो फ्रंट फेस लेके आना, तो मैं यहाँ फ्रंट फेस ले आया हूँ। Then, ये व्यू हमारा आ गया, सिंपली आपने बस फ्री स्पेस में क्लिक कर देना है लाइक दैट। सो आपका ये व्यू कैटिया में आ गया। अब इसको स्केल यानी छोटा बड़ा कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो इसकी रेड बाउंड्री है, इसकी कवरिंग बाउंड्री है, यहाँ राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज ओपन कर लीजिए और यहाँ पर स्केल में जाके इसको स्केल छोटा कर लीजिए। जैसे 1:3 किया तो ये देखिए छोटा हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा प्रोजेक्शन व्यू। प्रोजेक्शन व्यू क्या होते हैं, जो इसी की ही प्रोजेक्शन होते हैं, ये देखिए। अब जाहिर सी बात है इसमें होल है, यहाँ कैविटी है, तो इसका हिडन व्यू दिखना चाहिए। तो हिडन व्यू कैसे डिपिक्ट करेंगे, अगेन प्रॉपर्टीज। सो आप यहाँ देख सकते हैं हिडन लाइन, सेंटर लाइन अप्लाई, यहाँ पर ये देखिए ये हमारा हिडन व्यू डिपिक्ट होके आ गया। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी क्या होता है, किसी भी पोर्शन की या किसी भी लाइन पे क्लिक करके उसी की ही ओरिएंटेशन में हमारा व्यू निकल आता है। ऑक्सिलरी किया, जैसे मुझे से इस प्ले के अकॉर्डिंगली करना है व्यू, तो यहाँ क्लिक करके ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा व्यू आ गया। इसकी बेसिकली ज्यादातर रिक्वायरमेंट वहां रहती है जहां पर कोई हमारे पास कोई ऐसी क्रिटिकल प्रोफाइल हो या कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल हो जिसमें हमने किसी एक पोर्शन का व्यू देखना हो। नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक के लिए सेम वही प्रोसीजर, यहां जाएंगे आप, उसके बाद ये देखिए इस पर क्लिक करके यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अगेन साइज का बड़ा है, सो यहां प्रॉपर्टीज में करके इसको मिनिमाइज कर देंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा ड्राफ्टिंग। सो ये तो है हमारे जनरल व्यूज। अब इसके बाद आता है हमारा सेक्शन। तो इसमें ऑफसेट सेक्शन हम करेंगे। सेक्शन मींस कटा हुआ हिस्सा। सो जैसे मुझे इस वाले पोर्शन की डिटेल निकालनी है ऐसे हॉरिजॉन्टली, सो मैं क्या करूंगा, ये आप देख सकते हैं यहां पर कर लिया और थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के देन क्लिक आउट करके ये देखिए फ्रेंड, ये सिंगल लाइन लगा के हमारा यहां से व्यू आ गया। सो
ये था फ्रेंड हमारा सेक्शन व्यू। नेक्स्ट हम करेंगे डिटेल। डिटेल क्या होती है? कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन की डिटेल हमें निकालनी है। जैसे मैं चाहता हूँ मुझे इस स्लॉट का ये वाले एरिया की डिटेल निकालनी है, तो यहाँ क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं, बस सर्कल बना के यहाँ से इसकी डिटेल आ गई। सो ये था फ्रेंड हमारा आज का ड्राफ्टिंग सेशन, जिसमें हमने जनरल व्यूज के बारे में जाना कि उसको कैसे हम डिपिक्ट करके लेके आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन काफी नॉलेजेबल रहा होगा। एंड अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दैट इज EME टेक्नोलॉजी, तो उसे प्लीज सब्सक्राइब करिए। मैं स्वयं महाजन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।